दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है संडे और आज संडे है और छुट्टी है। आज बारिश हो रही है बहुत ही ज़्यादा। ऊपर दिखाऊंगी मैं आपको, बहुत ही मतलब ऐसे बादल हो रखे हैं, देख सकते हैं आप, बहुत मतलब क्लाउडी हो रखा है और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। बारिश के मौसम में तो कुछ गरम गरम खाने का मन करता है। तो ठीक है, आज कुछ रेसिपी बनाएंगे, तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और सब खुश रहे, मस्त रहे, अपना ध्यान रखें और ब्लॉग में मेरे साथ बने रहें, मेरा वीडियो पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैंने ये आलू उबालने के लिए रख दिए हैं। और जैसे ही मैंने आलू उबालने के लिए रखे तो साथ साथ मैंने सोचा कि चलो टिक्की भी बना देंगे और क्या, फटाफट से मैं रोटियाँ भी बना देती हूँ। तो मैंने रोटी भी बना दी थी, देखिए, और टिक्की भी बना देती है। और अब आलू बॉयल हो चुके हैं, रोटी भी बन चुकी है। तो मैंने फटाफट से आलू का ढक्कन खोला, कुकर का ढक्कन खोला, और ये देखिए आलू अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब मैंने फटाफट से आलू छील लिए थे, सारे आलू छीलने के बाद मैंने इनको कद्दूकस कर दिया था। ये कद्दूकस करके इस तरीके से मैंने आलू छील दिए थे। और इसमें मैंने बहुत सारी रेसिपी डाली थी पर वो सब मैंने दिखाया नहीं, तो मैंने डायरेक्ट टिक्की बनते हुए दिखा दिया है। अगर आपको रेसिपी जाननी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको कमेंट में बताऊँगी कि इसमें और क्या क्या डाला है मैंने। तो ये देखिए टिक्की बन के तैयार हो गई थी इस तरीके से, बहुत ही यमी क्रिस्पी टिक्की बनी थी। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर दाल चढ़ा दी है। और ये रखे हुए हैं आलू की टिक्की। दाल इसलिए चढ़ाई थी ना क्योंकि हमने, आज संडे था और गैस ना बहुत स्लो चल रहा था, रोटी बनाने में आफत आ रही थी, इसलिए आज हमने गैस पे दाल चढ़ाई। दाल चावल सुबह जल्दी बनाने थे क्योंकि हमें गैस बनाने देना था। फिर आ गई थी चटनी, इमली की चटनी बनाने के प्रोसेस। ये मैंने इमली पानी में डाली और उसको थोड़ी देर अच्छे से बॉयल किया, इसको इस तरीके से बॉयल किया, और ये बहुत ही ज़्यादा थिक हो गई थी उबलने के बाद। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये देखिए कितनी थिक हो गई है। अब इसको मैंने इसके बाद, इसके साथ गुड़ मिलाना था ना, ये देखिए ये मैंने इतना गुड़ लिया है इसमें। तो इससे पहले की प्रोसेस ये है कि मुझे इसको अच्छे से छानना था, ये जिसको पतला पतला है तो इसको इस तरीके से अच्छे से छान के मुझे निकालना था। और ये मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया है। और ये टिक्की की प्रोसेस तैयार, अभी टिक्की बन रही है, दही और चटनी चुटनी सब डाल के टिक्की तैयार हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही लवली स्वादिष्ट। और अगर रेसिपी जानना है तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, सुबह सुबह आलू की टिक्की खाएं। खाएं जबरदस्त टिक्की सुबह सुबह, सुबह सुबह टिक्की, बहुत टाइम हुआ टिक्की बनते बनते। ठीक है, ओके, एंजॉय करें, ओके बाय। ओके दोस्तों, नाश्ता करने के बाद, संडे को आराम नहीं किया तो संडे किस बात का है ना माजी? आ रहा है बाकी आप बैठे दौड़ फांसे दे रहे हैं। अरे अब सो, थोड़े सो जाएंगे। संडे को आराम नहीं करना, संडे के साथ सुबह लेटने का, सुबह परिक्रमा और ना लगाने के चक्कर सोचा मेरा और फिस फिस करूँ ना। चलो दोस्त, थोड़े आराम करते हैं, फोन फान चलाते हैं, तब आपसे बाद में मिलते हैं। आप बताएं हमें संडे कैसे मनाया, संडे को क्या बनाया, कुछ स्पेशल बनाया और बनाया तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालते। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे।
देखो दोस्तों आपने किस तरीके से रेली आ रही थी। ये नीचे जो बारहवीं के लोग हैं तो उनका उनके भगवान है तो उनकी पूजा चल रही थी, तो उनके ही उपलक्ष्य में ये बहुत दिन से मतलब डीजे वगैरह बजा रहे थे और ढोल वगैरह बजा रहे थे, तो आज उन्होंने शायद उनका कोई त्यौहार होगा तो वो मना रहे थे वो, तो उन्होंने ढोल वगैरह किया और बहुत ही काफ़ी मतलब एंटरटेनिंग था कि डंडे वंडे से मतलब लड़ाई लड़ाई मतलब बचाव किस तरह कर रहे थे, पर बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत ही बढ़िया था। और गाने डीजे वीजे बजा रहे थे ये, और इनकी एक इनके मतलब एक छोटा हाथी है ना, उसमें उसमें शायद से कोई भगवान थे शायद, मैंने तो देखा नहीं, हम तो ऊपर से देखा, बट क्या कहते हैं पर डीजे वीजे खूब बजाया उन्होंने, खूब डांस वांस कर रहे थे। मतलब इतनी बारिश हो रही है पर फिर भी मतलब इन सब चीज़ों की फिक्र ना करते हुए अपने भगवान को इतने सच्ची लगन से मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और इन्जॉय कर रहे हैं, अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनका डे है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इन्हें भी और हमें भी, जो देख रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा है और जिन मतलब और ख़ुद भी जो इन्जॉय कर रहे हैं ये वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है दोस्तों, आज कहीं मतलब देख सकते हैं बहुत बारिश है, बहुत अति मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको, बारिश बहुत ज़्यादा है। गैस बनाने दे रखा था, गैस बन के आ गया है, खाना तो हमने सुबह ही बना दिया था क्योंकि गैस बनाने देना था, इस चक्कर में खाना सुबह ही बना देता था, खाना पीना खा पे मैं तो अभी सो के उठी, और खाना पीना मतलब गैस कब आया मुझे पता नहीं चला, मैं तो अभी सो के उठी और बस खाना खाया और तब तक फिर बर्तन वर्तन धो रही थी तो देखा कि ये लोग आ गए तो ज़रा इनका डांस वांस देखने लग गया, सोचा आपको भी दिखा देती हूँ, आपको भी दिखाया। तो चलते हैं पूरे दिन की सफ़, अब शायद से 2 या 2:30 बजे होंगे, मैंने टाइम भी देखा, मैंने कहा चलो ब्लॉगिंग का पूरा कर लेती हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर में मिलते हैं, ओके बाय। ओके दोस्तों, रात को खाना पीना खा लिया था लेकिन मन कर रहा था चाय फैन खाने का, दो बस फैन तो मैं इसलिए ला रखी हूँ कि एमरजेंसी में खाने के लिए, तो बस खाना पीना खाने के बाद रात को फैन खाया, सो गई, गुड नाइट।